अब खबर श्रीगंगानगर के रावला मंडी इलाके से है, जहां शराब पीने के दौरान हुए झगड़े में एक शराबी बेटे ने कुल्हाड़ी से वार कर अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के अनुसार घटना 30 अप्रैल की रात की है। हत्या को लेकर मृतक की बहू और पत्नी ने आरोपी सोहन सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। आरोपी की मां और पत्नी ने बताया कि आरोपी ने पहले साथ साथ शराब पी और बाद में पिता की हत्या कर शव को कुएं में दफना दिया। झगड़े के दौरान आरोपी की मां और पत्नी बीच बचाव करने के लिए बाहर आई तो आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। इसके बाद पिता की हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गया। अनूपगढ़ के DYSP ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कुएं से बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन हत्यारा अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। तीस अप्रैल की रात को 10 KPD चक में, जिसको आनंदगढ़ भी कहते हैं, वहाँ पे एक सुरजीत सिंह मजहबी सिख है, उसकी ढाणी है। ढाणी के अंदर वो और उसका बेटा और उसकी खुद की पत्नी और एक बेटे की बहू वो रहते हैं। तो 30 अप्रैल को उनको आपस में बाप बेटे के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़े में उसके लड़के सोनू ने अपने पिता की कुल्हाड़ी के वार से वार करके हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसकी शव को कुएं के अंदर ज़मीन के अंदर दबा दिया और ऊपर से मिट्टी से उसको पाट के वो वहाँ से भाग गया। जो हत्या करने वाला है उसकी पत्नी ने ये सूचना अपने भाई को दी, अपने पीर में बताया उसको फ़ोन करके कि ऐसे ऐसे घटना हुई है, जिस पर उसके भाई ने यहाँ के थाने पे हमें सूचना दी कल। तो सूचना पे हम वहाँ पे गए थे और आज हमने उसकी डेड बॉडी को वहाँ से निकलवा के और बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करवा दिया है और लाश है वारिसान के सुपुर्द।